ये जो इलेक्शन आपने लड़ा था उस तो उसका ये क्या रिस्पांस क्या मिला? एक्सपेंस तो पहले तो ठीक ही था, अच्छा ही था, बाद में जाके मतलब वो क्या बोलते हैं राजनीति कैसे होता है ना, पहले तो लगता है कि हाँ सारे मेरे पक्ष में है, बीच में जाके तो आप दोबारा लड़ेंगे आप इलेक्शन? देखते हैं, अभी तो कोई मतलब डिसाइड नहीं है, देखते हैं आगे। नहीं तो उसमें आप किस पार्टी से लड़ेंगे? सॉरी, किस पार्टी से लड़ेंगे अगर लड़ना चाहेंगे तो? अभी जो पार्टी रूलिंग में होगा उसी पार्टी के। कितने वोटर होंगे आपके नेपाली समाज के? हाँ, नेपाली नहीं बोलते हैं, हमारे गोर्खे मतलब गोर्खे समुदाय जो भारत के संविधान के अंदर में हमारे गोर्खा है, उन लोगों से हमें दिल्ली में कम से कम 8 लाख से ऊपर का हमारा। आज तक नेपाली समाज को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला या वो लोग आगे आना नहीं चाहते? I have no idea. तो क्या इनको आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? अभी देश के लिए बहुत कुछ करना है, अपने समाज के लिए करना है, मतलब समाज हमारे समाज में समाज के लिए थोड़ा काम बहुत ज्यादा है ना, समाज को आगे लाने के लिए क्या बोलते हैं इसको, अपने अंदर एक सामाजिक ये होना चाहिए, जागरूकता। हाँ जी, तभी आगे बढ़ सकते। क्या लगता है कि आप लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा? अफकोर्स मिलेगा, क्यों नहीं, सबके प्रतिनिधित्व मिल रहे हैं तो हमारे भी मिलेगा। आप लोगों की वैसे डिमांड क्या है? हमारे डिमांड गोरखालैंड में, गोरखालैंड में तो हम ये 110 साल से हमारे डिमांड है, ये बहुत पुरानी डिमांड है, हमारे पुरखों ने भी लड़ा, हमारे मतलब पिता सब लड़े, अभी हम भी उसी में है डिमांड। अगर शिवसेना फिर दोबारा आपको इलेक्शन लड़ने के लिए ऑफर करे तो आप लड़ेंगी? ये अभी मैं नहीं बता सकती हूँ, कौन तय करे, हालत के इसमें होगा, कौन तय करेगा उसी टाइम वक्त तय करेगा। अभी आप क्या करती हैं? मैं तो अभी सोशल काम करती हूँ। जी, धन्यवाद।